बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ। बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, किडी पार्टी, केटरिंग, विशाल पार्किंग एरिया। SSC की छात्रा से ITBP के जवान ने पहले फेसबुक पर दोस्ती की, इसके बाद शारीरिक संबंध बनाए, शादी तक कर ली और अब उसे छोड़कर भाग निकला, जो उसके बिस्तर की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहा है। ये सभी आरोप MP के शिवपुरी में जनसुनवाई में पहुंची छात्रा ने लगाए हैं, जहां उसने शिकायती आवेदन दिया। पीड़िता के मुताबिक उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, जब शादी के लिए कहा तो मना कर दिया, पुलिस में शिकायत की तो बलात्कार की धाराओं और अपनी नौकरी को बचाने शादी कर ली, लेकिन इसके बाद छोड़ दिया। दोनों को फेसबुक पर दोस्ती के बाद प्यार हुआ था। पीड़िता सरकारी नौकरी के लिए SSC की तैयारी कर रही है। करेरा तहसील के अमोला थाना इलाके के सिला नगर गाँव निवासी 24 साल की करेरा ITBP में ट्रेनिंग कर रहे राकेश लोधी निवासी गरौठा गांव से फेसबुक पर 2021 में फ्रेंडशिप हुई। दोनों की मुलाकात हुई तब पीड़िता शिवपुरी के फिजिकल थाना इलाके में एक कमरे में रहकर अपनी SSC की तैयारी कर रही थी। प्यार के बाद कई बार शारीरिक संबंध भी बने, इसके बाद राकेश प्रताड़ित करने लगा, जबरन अप्राकृतिक सेक्स किया, फोटो वीडियो भी बना लिए और इसके बाद शादी से मुकर गया, साथ ही फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता की माने तो जब राकेश की शिकायत पुलिस में की तो उसके बाद पुलिस ने राकेश को बुलाकर समझाइश दी कि नौकरी बचाना है तो इससे शादी कर ले, जिससे उसने 17 अक्टूबर 2022 को ग्वालियर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, इसके बाद वो छोड़ गया। राकेश इस समय ITBP की 25 बटालियन माही डांडा उत्तराखंड में नौकरी कर रहा है। न्याय की गुहार लगाने की न्याय मिल सके। क्या हो गया? एक राकेश कुमार लोधी ITBP में एक लड़का है, उसके द्वारा मेरे साथ आप प्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए गए थे और सोशल मीडिया के थ्रू मतलब हम लोगों की बातचीत वगैरह हुई थी। सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म? फेसबुक। फेसबुक से फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मतलब मुझे शादी के लिए बोलता था कि मैं शादी करूंगा, जब मतलब फिजिकली रिलेशनशिप बनाने के बाद मैं मतलब कुछ प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोज वगैरह उसने रख लिए थे, उनके बल पे मुझे धमकी वगैरह देता था कि अगर मतलब तुम यहाँ नहीं आई वहाँ नहीं आई तो फोटोज वीडियोज वायरल कर दूंगा एंड तुम्हारे भाई को मार दूंगा। ये धमकियाँ मुझे उसके घर वाले वगैरह भी दे रहे थे। उसके जीजा हैं सियाराम संध्या लोधी कफार के, जो जिला पंचायत सदस्य हैं आपके, कफार खनिया दाना फिर तहसील पिछोर। फिर क्या हुआ? उस मतलब फिर शादी कैसे की उसने? शादी ऐसे की कि हमने मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए तो हमने SP ऑफिस में आवेदन दिया था, तो उन्होंने हमें फिजिकल थाना भेजा गया था। फिजिकल थाने में मतलब उन्होंने बोला कि इसको कहीं ले जाओ, शादी कर ले तेरी नौकरी बच जाएगी। तो उसने फिर से हमें धमकियाँ दी कि मतलब फोटोज वीडियो वायरल कर दूंगा एंड तुम्हारे भाई को मार दूंगा अगर तुमने शादी नहीं की। मुझे ग्वालियर जाके मारा पीटा और ज़बरदस्ती शादी की। फिर उसके बाद आपने आवेदन दिया, क्या हुआ? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 5 तारीख में उस लड़के को बुलाया था, लड़के के द्वारा बताया गया था राकेश के द्वारा कि मतलब तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हमने 1.5 लाख रुपए दिए हैं। तो शादी करने के बाद छोड़ कैसे दिया फिर उसने? शादी सिर्फ उसने पुलिस केस से बचने के लिए की थी। शादी करने के बाद तुरंत वहीं से छोड़ के भाग गया। ITBP किस पोस्ट पे? ITCTGD। अभी कहाँ पर पदस्थ? अभी 35वीं बटालियन महीदांडा उत्तरकाशी उत्तराखंड देहरादून। ये 1.5 लाख रुपए का क्या मामला है? मतलब पुलिस कोई कार्रवाई ना करे। किसने दिए हैं पुलिस को? राकेश कुमार लोधी और उसके जीजा सियाराम संध्या लोधी। पुलिस को दे दिए इन्हें पैसे? हाँ हाँ, क्योंकि ये हमें राकेश कुमार ने ही बताया था कि हमने पैसे दिए हैं। कलेक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? आगे कार्रवाई करेंगे। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स सुपर डीलक्स रूम, क्वीन सुइट, प्रेसिडेंशियल सुइट, बैग डॉर्मेट्री,
बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ तीन गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP, फोन 9300229082।